कोई भी काम करता हूं तो मैं एक एथलीट पहले हूं, एक खिलाड़ी पहले हूं, बिकॉज जो मेरी पहचान है विजेंद्र सिंह बॉक्सर, तो वो मेरे लिए ज़रूरी है, वो मेरे लिए अहम है। उसके बाद सब चीज़ें हैं, वो एक्स वाई जेड जो भी लगाना चाहो, बॉलीवुड एक्टर, पॉलिटिशियन, एक्स वाई जेड जो भी कहना चाहो कह सकते हो, लेकिन विजेंद्र सिंह बॉक्सर पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। देश के लिए खेल लिया आपने, प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए, राजनीति कर ली, अब सब लोग क्यूरियस ये जानने के लिए कि आगे क्या करेंगे, अगला मुकाम क्या है। अगला मुकाम, अभी मैं एक मूवी कर रहा हूँ अभी सलमान भाई के साथ, और किसी का भाई किसी की जान ईद पे रिलीज है उसकी। अच्छा, इस साल हाँ, इस साल अभी भी जो आई थिंक अप्रैल में ईद है, आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक। और अभी मेरा शूट चल रहा है अभी, इसलिए मैं ये सब मेरा जो गेटअप है अभी, तीन तीन दिन का शूट मेरा बाकी है अभी, तो दैट्स व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। तो विजेंद्र और सिंह हीरो बन गए इस साल, मतलब हीरो तो फिल्मी मैं हीरो बन बचपन से गए, ही था, फिल्मी हीरो तो मैं हीरो। बचपन से ही था, वो तो बाद में फिल्में तो आती जाती रहती है, नो दैट। एक दो चीज़ें और हैं, वेब सीरीज है और सब चीज़ें कर रहा हूँ साइड बाय साइड, बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग हर रोज़ कर लेता हूँ, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आती है मैं ले लेता हूँ। तो राजनीति में कहीं बैक सीट तो नहीं ले लिया? नहीं अभी स्टिल है, मैं कहते अभी आवाज़ उठाता हूँ, जो गलत है उसके साथ मैं खड़ा होता हूँ कि भैया नो दैट्स रॉन्ग, ये गलत है, तो उनकी आवाज़ मैं हमेशा उठाता हूँ। तो मैं नहीं लगता कि मैं इससे दूर हूँ। राजनीति हर हर इंसान का हिस्सा है, जो आप गलत को एक गलत कहे, सही को सही कहे, वो राजनीति है, तो भैया हाँ मैं करूँगा आगे भी। महिला खिलाड़ियों की आज बात कर रहे हैं, जी उनको ग्लोरीफाई करने की, उनको उनके क्रेडिट दिलाने की, लेकिन महिलाएं अभी बैठी हुई थी वहां जी बॉक्सिंग में, और बिल्कुल बैठी हुई थी, बिल्कुल। उनके साथ ये जो कुछ भी हुआ, ऐसा क्या हो कि मतलब आपको भी लगता है कि महिलाओं के लिए खेल ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उनको दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है? जी देखिए, जो महिलाओं ने जो एलिगेशन लगाए थे वो बहुत ही गंभीर थे, और आई थिंक उनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए थी, जो मैं मानता हूँ जिस तरह से उसको ख़त्म किया गया उस प्रोटेस्ट को, तो वो बहुत सारे सवाल खड़े करता था। और आई थिंक थोड़ी देर में हमारे पहलवान आ जाएंगे आपके बीच में, आई थिंक उनसे सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा काम था सपोर्ट करना कि भैया आपके साथ गलत हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। तो कोई भी खिलाड़ी, किसी भी महिला या दूसरे बच्चों के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो एज ए खिलाड़ी हम वहाँ पहुँचेंगे और उनके साथ उनका हक देंगे उनको। बॉक्सिंग की दुनिया में आप मानते हैं महिलाओं को और आना चाहिए? जी अब आ रही हैं, अब देखिए ना कितनी अच्छी, चाहे निखत जरीन हो, चाहे वो हमारी लवलीना हो, अभी लड़के कितना, मैरी कॉम कितनी अच्छा कर रही है, तो कितनी सारी महिलाएं हैं जो भी अच्छा कर रही हैं, तो ये नहीं कह सकती कि आप महिलाएं पीछे रह चुकी हैं, नहीं। बहुत जमीन से उठे हैं, आपने बिल्कुल हर वो स्ट्रगल देखा है, गरीबी भी देखी है, फिर वो मुकाम हासिल करना भी देखा है। आप जैसे खिलाड़ी अचीव कर लेते हैं लेकिन बहुत नहीं उससे आगे बढ़ पाते हैं, इसकी वजह क्या है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सबसे पहले आई थिंक जो मैं एज ए एथलीट मैं बताना चाहूँ, तो आई थिंक जो आपके सपने हैं, सपने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज मैं गांव में से निकला हूँ, घर पे साइकिल नहीं होती थी, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं होते थे, इक्विपमेंट नहीं होता था, लेकिन जो ड्रीम्स थे वो हमेशा बड़े थे मेरे, हमेशा कि वन डे आई विल बी दैट काइंड ऑफ पर्सन, वन डे आई विल बिकम दैट काइंड ऑफ थिंग। और सब चीज़ें होती चली गई, चाहे वो बॉलीवुड मूवी हो, चाहे ओलंपिक मेडल हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे एक्स वाई जेड हो, आगे भी अभी कहते पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में अभी मेरे को, तो सब चीज़ें होंगी, लेकिन आपके सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। कल को आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया जाए तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? नहीं बनूँ तो गम है, बना दिया नहीं बनूँ तो गम, आई नो दैट। तो महिलाओं के लिए जो भी उनको असुविधाएं होंगी उनको मैं दूर कर दूंगा। बहुत ग्रास रूट लेवल पे क्या ऐसा किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए खिलाड़ियों को कि वो बहुत ऊपर तक पहुंचे और देश का नाम रोशन करें, ओलंपिक्स में मेडल और आए? आई थिंक इसमें मीडिया का बहुत बड़ा एक योगदान है, बिकॉज आप बहुत सपोर्ट करें, जो स्पेस आप क्रिकेट को देते हो उसका आधा स्पेस भी अदर स्पोर्ट्स को मिल जाए, चाहे वेदर इट्स अ बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस, एक्स वाई जेड, कोई सा भी गेम है, तो बहुत एक एक वो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज हीरो पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। एक समाज को हीरो चाहिए, विजेंद्र सिंह मेडल लेके आ, तब हरियाणा का कितना, बहुत सारे जहाँ मैं बॉक्सिंग का एक एक एकेडमी होती है, जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की, आ वहाँ पे तकरीबन 18 बॉक्सिंग एकेडमी है, हर एक एकेडमी में कम से कम 200 से 300 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, तो हर एक को रोल मॉडल चाहिए, रोल मॉडल बनाने पड़ेंगे हमारे समाज को, तभी जाके कुछ आप अचीव कर सकते हैं। सो कॉल्ड फैसिलिटीज़ की बात आप करें तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम
लैक हैं, अभी बहुत सारे पीछे चल रहे हैं, वो स्पेशली मेडिकल की, पहले भी मैं बोलता था कि हमारा जो मेडिकल सेक्टर है बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें, हमारे फिजियोज हैं वो इतने एडवांस नहीं होते, हम बाहर से मंगाना पड़ता, अगर हमें अच्छे फिजियो यहीं प्रोवाइड किए कर दिए जाएँ तो बहुत बड़ा एक कहते हैं सपोर्ट मिलेगी हमें, जो जो मैंने सीखा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।